हेलो गाइस, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे गांधीन फिलॉसफी की अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट इन आर लास्ट वीडियो, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट गांधीन फिलॉसफी रिलेटेड टू ट्रस्टीशिप। काफ़ी हद तक जो वेल्थ मैनेजमेंट है और ट्रस्टीशिप की जो उनकी फिलॉसफी थी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करती है। तो आज जैसे कि हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी जगह लगेगा कि ये चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो अगर एग्जाम में वेल्थ मैनेजमेंट आ जाए चाहे ट्रस्टीशिप आ जाए, दोनों का मोर और लेस मीनिंग सेम है, बट जस्ट थोड़े से की पॉइंट्स का डिफरेंस है जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब ताकि आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांधीन फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप के साथ। आज ट्रस्टीशिप, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रस्टीशिप एक्चुअली वर्ड ट्रस्टी से आया है। एंड ट्रस्टी का काम क्या होता है कि वो जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको होल्ड करे, मैनेज करे स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पे। वैसे गांधी जी क्या बोलते थे कि जितने भी मेरे मैनेजर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सोसाइटी के रिसोर्सेज वगैरह को यूज कर रहे हैं एंड उससे बेनिफिट वगैरह ले रहे हैं, उसका मैक्सिमम उनको वापस सोसाइटी में लगा देना चाहिए। एंड अल्टीमेटली क्या करना चाहिए कि मेरी जितनी भी वेल्थ वगैरह है वो हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर में यूज होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में पहले दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ट्रस्टीशिप रेफर्स टू द एक्ट ऑफ होल्डिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ स्टेक होल्डर्स। गांधी जी वॉज इन स्ट्रॉन्ग फेवर ऑफ पावर ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल इंस्टेड ऑफ अ फ्यू पीपल फ्रॉम द होल कम्युनिटी। इसका मीनिंग अंडरस्टूड हो गया जैसे कि मैंने बताया था। अब थोड़े से हम मेन फीचर्स देख लेते हैं। उसके अलावा मैंने इसको तीन चीजों में डिवाइड किया गांधी जी की फिलोसफी को, तीन डायमेंशंस में। तो हम उनको पढ़ते हैं ताकि हमें पूरा एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि क्या है। बट उससे पहले एक बार मैं थोड़े एक दो फीचर्स और डिस्कस कर लेता हूँ ताकि ब्रॉड मीनिंग सबको अंडरस्टैंड हो जाए। ट्रस्टीशिप का बेसिक काम क्या था, जो कि मेरी प्रेजेंट कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी को एनलाइटन करना, यानी कि सबकी ग्रोथ करना, सबको डेवलप करना। एनलाइटन से अच्छा वर्ड यहाँ पे होगा इगालिटेरियन में कन्वर्ट करना। उसके अलावा कैपिटलिज्म बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कहीं पे भी, लेकिन गांधी जी ने यह भी बोला था कि जो कैपिटलिज्म है वो मैं अलाउ नहीं कर रहा, बट जो कैपिटलिज्म होगा इसको मेरे को रिफॉर्म करना है, चेंज करना है सोसाइटी के बेनिफिट के। राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था, प्राइवेट ओनरशिप सॉरी, जो है सब सोसाइटी का है। बट अगर सोसाइटी अलाउ करती है जिसमें सोसाइटी का कुछ फायदा हो तब वहां पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउ करी जा सकती थी। तो यही थी गांधी जी की फिलॉसफी जो कि हमने करी। अब इसके हम अलग अलग डायमेंशन देखते हैं कि अगर एग्जाम में बाई चांस 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा एक या दो पेज कर लोगे। तो कंटेंट को बढ़ाने के लिए अब हम उनके डायमेंशन के साइड चलते हैं। गांधी जी ने क्या किया था, इसके तीन डायमेंशन निकाले थे। सबसे पहला था लेवलिंग अप डाउन, दूसरा था नॉन वायलेंट वे टू इराडिकेट कैपिटलिज्म, और तीसरा था ट्रस्टीशिप इज फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवलिंग अप एंड डाउन की। गांधी जी ने यह बोला कि अगर मेरे को इंडिपेंडेंस लाना है नॉन वायलेंट उसमें, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी पड़ेगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाएगी तो सब अपने आप वैसे ही इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आ जाएंगे तो एक इजी वे में इंडिपेंडेंस की साइड हम लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी से गांधी जी ने हर जगह क्या की है, वो हर जगह क्या कहते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते थे, जिसमें सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर की जो उन्होंने बात करी दैट वाज अबाउट द लेबर्स, कि जो भी मेरे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका वेलफेयर हो, उनकी अर्निंग्स बढ़े, एंड जितने भी मेरे कैपिटलिस्ट वगैरह है वो अपनी अर्निंग्स को इन लेबर्स की डेवलपमेंट में लगाए एंड दोनों किसी तरीके से बराबर आने चालू हो जाए। एंड ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक नॉन वायलेंट सिस्टम तब तक बन ही नहीं सकता कि जब तक इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा वाइड गैप रहेगा। इसका एग्जांपल हम आज की गवर्नमेंट्स का ले सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल ले लो एक मुकेश अंबानी का और किसी भी एक नॉर्मल लेबर का। मुकेश अंबानी के पास गवर्नमेंट की एक्सेस रहती है बट उसकी नहीं है, तो इतने अच्छे से फंक्शनली नहीं हो पा रही। काफी जगह हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट्स वगैरह के टैक्सेस माफ कर दिए जाते हैं, सब कुछ कर दिया जाते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास को इतना कुछ नहीं मिलता। तो अगेन वो गांधीन फिलॉसफी के अगेंस्ट था। अगर मैं गांधीन फिलॉसफी के हिसाब से चलता तो आज की डेट में चाहे मुकेश अंबानी होता चाहे कोई और होता, सब सेम लेवल पे होते एंड सबके वेलफेयर में पैसा लगाया जा रहा होता।
ये था मेरा सारा लेवलिंग अप एंड डाउन का. इसके बाद हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट नॉन वायलेंट वे. नॉन वायलेंट में गांधी जी बोलते थे कि कैपिटलिज्म को खत्म करो, ना कि कैपिटलिस्ट को. कैपिटलिज्म टू बी डिस्ट्रॉयड, नॉट दी कैपिटल. इसमें गांधी जी ने क्या बोला कि जितने भी कैपिटलिस्ट वगैरह ना, उन सबको इन्वाइट करो, उन्हें बोलो कि वो कैपिटलिस्ट से ट्रस्टी में कन्वर्ट हो जाए, एंड बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज वगैरह है उनको हैंडल करे, कंट्रोल करे ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेक होल्डर्स, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी. इसमें उन्होंने ये भी बोला कि कैपिटल को तुम पावर मान रहे हो, साथ ही साथ ये भी मान के चलो कि जो मेरा लेबर है उसका काम भी तो पावर के बराबर है. अगर लेबर का बंदा काम ही नहीं करेगा तो कैपिटलिस्ट की कैपिटल किस काम की है. जैसे कि हम आज की सोसाइटी में देख सकते हैं कि आजकल लेबर्स वगैरह की काफी कमी है. नो मैटर आप लोगों के पास कितना पैसा, बट लेबर नहीं मिलेगी. ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है. तो नॉन वायलेंट में उन्होंने क्या बोला कि कैपिटलिज्म को खत्म कर दो एट प्लेस ऑफ कैपिटलिस्ट. कैपिटलिस्ट को एज अ ट्रस्टी ले आओ एंड उन्हें बोलो कि डेवलपमेंट करें. एंड बेसिकली उन्होंने इसमें ये बात करी कि जो मेरा लेबर एंड कैपिटलिस्ट है उनके रिलेशन को मैं स्ट्रांग करूं, क्योंकि दोनों का ही काम एक दूसरे के बगैर चल ही नहीं सकता. ना कैपिटलिस्ट अपनी इंडस्ट्री रन कर सकता, ना लेबर फूड वगैरह कर सकता जब तक कि उसे काम ही नहीं मिले. तो दिस वॉज अबाउट द नॉन वायलेंट वे. इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रस्टीशिप इज इन फॉर कम्युनिटी वेलफेयर. गांधी जी ने इसमें बोला था कि जो मेरी ट्रस्टीशिप है, जैसे कि मैं पोली थ्योरी में पढ़ाता आ रहा हूँ, वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए. मैं सारे उन लोगों को इन्वाइट करता हूँ कि जो भी कम्युनिटी का वेलफेयर करना चाहते हैं वो एज अ ट्रस्टी बन जाए, एंड जितने भी रिसोर्सेज वगैरह उसको हैंडल करें एंड सोसाइटी की डेवलपमेंट में जुट जाए. एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. लेवलिंग अपडाउन में क्या था कि उन्होंने इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की बात करी कि जो भी मेरी रिसोर्सेज वगैरह जो भी कैपिटलिस्ट के पास कॉन्सेंट्रेटेड है वो सारे मैं वर्कर्स वगैरह की साइड लाऊं, दोनों को बराबर लाऊं. क्योंकि जब तक मेरी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी मैं नॉन वायलेंट तरीके से इंडिपेंडेंस पा ही नहीं सकता. इवन अगर हम ब्रिटिशर से भी आजाद हो गए तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा. जो पावर है वो ब्रिटिशर्स से के हाथ से रिच लोगों के पास चली जाएगी. उसके बाद उन्होंने नॉन वायलेंट वे में क्या बोला कि कैपिटलिज्म को खत्म कर दो एट प्लेस ऑफ कैपिटलिस्ट, जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया मुकेश अंबानी वाला, ठीक है, जिसमें जियो के बारे में भी लिखा जा सकता है कि लाइक रिसोर्सेज को यूज किया वगैरह, लोगों को 4G की पावर दी, वो चीज भी लिख सकते हो. एंड लास्ट में ट्रस्टीशिप फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रस्टीशिप को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ स्टेक होल्डर्स एक्ट करना है एंड उनके वेलफेयर में काम करना है. तो दिस वॉज अबाउट ऑल द गांधीयन फिलोसफी ऑफ ट्रस्टीशिप. लास्ट वीडियो में मैंने वेल्थ मैनेजमेंट की बात करी थी, इसमें हम लोगों ने ट्रस्टीशिप देखा. अगली वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस. इन तीनों टॉपिक में से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं, जो कि 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 7.5 में भी, 15 में भी. इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट या व्हाट्सएप पे मेरे को पिंग कर सकते हो. ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसके अलावा वेबसाइट का एड्रेस भी है. एंड कोई भी वीडियो वगैरह चाहते हो तो डू लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट. थैंक यू.